उज्जैन के बड़नगर में विगत दिनों पंडरीनाथ कुंड पर दो समुदाय के बीच एक घटना हुई, जिसको लेकर जिला कलेक्टर एसपी बड़नगर तहसील सभागार पहुंचे, जहां उन्होंने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें कलेक्टर ने सभी समुदाय के लोगों से बातचीत की। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। दरअसल बड़नगर शहर में विगत दिनों नारेबाजी व ज्ञापन के मामले को लेकर जिला कलेक्टर एसपी ने एक आवश्यक बैठक ली, जहां तहसील सभागृह में शहर के नागरिकों, प्रशासनिक अधिकारियों, राजनीतिक दलों के साथ कलेक्टर एसपी ने बातचीत की। वहीं बैठक के बाद एसपी सचिन शर्मा और कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने पंडरीनाथ कुंड त्रंबकेश्वर महादेव मंदिर पर पहुंचकर दर्शन किए और मौके का निरीक्षण किया। साथ ही मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले पर एफआईआर दर्ज की जाएगी, उसको लेकर किसी भी समुदाय के लोग फोन न करें। नगर में अभी किसी भी प्रकार की तनाव की स्थिति नहीं है। देखिए, एक तो दो त्योहार साथ साथ हैं और छोटी मोटी ऐसी घटनाएं थी जिससे हमें लगा कि लोगों में थोड़ा विश्वास का माहौल है। एक बार दोनों पक्षों को बिठा के बात करने के लिए हम लोग यहाँ आए थे और हमने स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि हमारी प्राथमिकता कानून व्यवस्था बनाए रखनी है और दोनों पक्ष सहमत भी हैं। दोनों पक्षों में अच्छे लोग हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे से दोनों त्यौहार होंगे। दिनों जो घटना हुई थी उसमें जो आपने देखा है कि उसकी जाँच चल रही है, सोशल मीडिया पर जो आपत्तिजनक पोस्ट है उसके बारे में इसकी कानून स्पष्ट रूप से बताया, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। हम आपको बता दें कि बैठक में कलेक्टर और एसपी ने किसी भी समुदाय के द्वारा अन्य समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करने की बात कही और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले पर कड़ी कानूनी कार्रवाई और आर्थिक दंड के बारे में कहा गया। वहीं बैठक में हिंदू समाज ने बात रखी कि पंडरीनाथ कुंड हिंदू पंचायत की जमीन है, जिसकी रजिस्ट्री उनके पास है और वहां पर किसी भी प्रकार के विशेष समुदाय के लोगों के आने के लिए प्रतिबंधित किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, बड़नगर।